सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में अब बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से पूछताछ हो सकती है। खबर के मुताबिक मुंबई पुलिस सलमान खान से पूछताछ करने की तैयारी में जुट गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन एक विवाद के बाद उन्होंने फिल्म को अचानक बंद कर दिया, जिसे लेकर उनसे पूछताछ किया जा सकता है। बता दें कि इस मामले को लेकर सलमान की पूर्व मैनेजर से पहले पुलिस पूछताछ कर चुकी है। सलमान खान से पूछताछ को लेकर पुलिस जल्द ही समन जारी कर सकती है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को बांद्रा स्थित अपने घर में सुसाइड कर लिया था, जिसके बाद उनसे जुड़े 35 लोगों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। सुशांत की आखिरी फिल्म इसी महीने 24 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। दिल बेचारा फिल्म की एक्ट्रेस से भी पुलिस पूछताछ कर चुकी है। दिव्यंगत अभिनेता के सुसाइड मामले में सलमान खान की पूर्व सेलिब्रिटी मैनेजर रेशमा सेट्टी का बयान पुलिस दर्ज कर चुकी है। रेशमा सेट्टी बॉलीवुड की एक बड़ी प्रसिद्ध टैलेंट मैनेजर है। उन्होंने सलमान खान, अक्षय कुमार और आलिया भट्ट के साथ भी काम किया है। अब तक इस मामले में कुल 35 लोगों का बयान दर्ज किए गए हैं। सुशांत सिंह सुसाइड मामले में पुलिस ने सलमान खान की पूर्व मैनेजर रेशमा सेट्टी से शुक्रवार को 5 घंटे पूछताछ की है। सलमान खान से अलग होकर रेशमा सेट्टी ने अपनी अलग टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की है, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार क्लाइंट हैं। पुलिस को आज इस बात का अंदाज़ा था कि चूंकि रेशमा सेट्टी कई बॉलीवुड कलाकारों का काम देखती हैं, तो उन्हें यह पता हो सकता है कि सुशांत सिंह को लेकर किस तरह की घेराबंदी बॉलीवुड में की जा रही थी। रेशमा सेट्टी ने पुलिस को बताया कि आज तक वो सिर्फ 2 बार ही सुशांत सिंह से मिली हैं। ना उन्हें सुशांत सिंह की मानसिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी है और ना ही इस बात का अंदाज़ा है कि इंडस्ट्री में जानबूझकर सुशांत को निशाना बनाया जा रहा है। बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी से पहले भी शेखर सुमन ने इस लेकर बहुत सारी बॉलीवुड में राजनीति से जुड़े CBI जाँच की मांग कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल इंतजार मुंबई पुलिस की फाइनल रिपोर्ट का किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में सुब्रमण्यम स्वामी को दखल देते हुए न सिर्फ CBI जांच की मांग की है, बल्कि तीनों बड़े खान एक्टर्स की संपत्ति की जांच भी की गई। अब इस पूरे मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने दखल देते हुए न सिर्फ CBI जांच की मांग की है बल्कि तीनों बड़े खान एक्टर्स की संपत्ति की जांच की भी मांग कर रहे हैं। ऐसे में सुशांत सिंह के पारिवारिक मित्र नीलोत्पल मृणाल का कहना है कि इस मामले से जुड़ी किसी भी तरह की लीगल एक्शन से पहले एक बार परिवार से जरूर बात कर लेनी चाहिए।